अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तैयब एक्सपर्ट और यूट्यूब चैनल में खुश आमदी करता हूँ। और आज आपके लिए एक ज़बरदस्त, आजकल काफ़ी लोगों को इशू आ रहे हैं, जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर आपके पास है या लैपटॉप है, पर्सनल लैपटॉप आपका, और नई नई विंडो आजकल आ रही है, जैसे कि विंडो 10 देखा जाए या विंडो 11 को देखा जाए, तो काफ़ी लोगों को मसला आ रहा है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है दिन पर डाउन होती जा रही होती है। वो इसलिए डाउन हो रही होती है कि आपका जो है इंटरनेट जो ऑन होता है वो साथ साथ जो है लैपटॉप को जो है या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो उसे जो है वो साथ साथ अपडेट करता रहता है। अगर अपडेट नेट नहीं भी हो, जब भी आप इंटरनेट को ऑन करेंगे, वाईफाई को ऑन करेंगे, तो आपके वो सिस्टम को अपडेट करना शुरू कर देगा, जिससे आपकी विंडो अपडेट हो जाती है और जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हो जाती है। इसके अलावा ये भी कुछ चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ें ये भी होती हैं, अगर आप इन चीज़ों नहीं भी होते, या अगर अपडेट अगर आपके पास विंडो 7 है या विंडो 10 है, विंडो 8 है, कोई सी भी आपके पास विंडो है, तो आपको जो है काफ़ी इशू आ रहे होंगे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन है, आपकी रैम भी अच्छी है उसके अंदर, हार्ड डिस्क भी अच्छी है या नहीं भी अच्छी, तो उसको कुछ ना कुछ बेहतर कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में हमने ये एक ट्रिक है आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि माई कंप्यूटर के ऊपर जाके आपने राइट क्लिक करना है। मेरे पास इस टाइम विंडो 11 है, तो आपने घबराना नहीं है, आपके पास विंडो 10, 8 है या 10 है या 7 है, तो सब में ये सेम सेटिंग होगी, ठीक है। आपने प्रॉपर्टीज पे यहाँ पे जाके क्लिक करना है, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी पे जाके क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम में यहाँ पे आपने, अगर आपके पास विंडो 10 है या 8 है, तो वहाँ पे आपने थोड़ा सा देख लेना, तो आपको वहाँ पे एडवांस सेटिंग सिस्टम नजर आ जाएगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन होगा ये सिस्टम का, तो उस पर आपने क्लिक करना, तो वहाँ पे आपको आपने सिर्फ ये अल्फाज ढूंढना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग वाला, ठीक हो गया। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आगे से ये वैसे ही ओपन होकर आएगा जिस तरह हर विंडोज के अंदर ओपन होकर आता है। बस स्टार्टिंग में आपको ये मसला होगा, थोड़ा सा लेआउट यहाँ से थोड़ा चेंज है 11 में, आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग को खोलना होगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे सर्च में जाके भी सिस्टम प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो सर्च कर सकते हैं, जिस तरह मैंने अभी ये अगर मैं ओपन करूँ तो सर्च करूँ, तो आप ये सिस्टम प्रॉपर्टीज आप सर्च करके ओपन करेंगे तो आप सामने ऐसे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहा है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस पे आपने क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जब आप देखेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह शो हो रहा होगा, इस तरह की सेटिंग आपके सामने शो हो रही होगी, ठीक है। आपने करना है कि यहाँ पे आ रहा है एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। आपने फिर जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने फिर यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ठीक है, जैसे अभी ले रहा है, तो थोड़ा सा आपने वेट कर लेना। थोड़ा सा वेट करने के बाद जैसे ये सारी सेटिंग को सेट करेगा, देखिए सेट करने के बाद उसने ओके कर दिया, उसके बाद फिर हमने इसको ओके के बटन पे क्लिक कर देना, और उसके बाद यहाँ पे आपने ओके कर देना। तो ये सारी डिटेल करने के बाद आपका सिस्टम जो है सारी गुड परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।